न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर, जैसे कि नेम से हमें आइडिया हो रहा है, न्यूरो मीन्स ब्रेन एंड कॉग्निटिव मीन्स कि आपकी कॉग्निशन से रिलेटेड है, आपकी थिंकिंग, लर्निंग, रिमेंबरिंग, मेमोरी से रिलेटेड है. सो इसमें ब्रेन जो है उसमें कुछ इस तरह के चेंजेस हो रहे होते हैं, फंक्शनल चेंजेस हो रही होती हैं, जिसकी वजह से आप में ये डिसऑर्डर होते हैं. इनको न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स हम कहते हैं. और इसकी जो डिफरेंट सिम्टम्स हैं उसमें क्या होता है कि आपका मेमोरी लॉस हो जाता है, यानी मेमोरी में प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसकी वजह से न्यूरो कॉग्निशन मीन्स आपकी कॉग्निशन जो है वो इफेक्ट हो रही होती है बिकॉज ऑफ योर ब्रेन. और ब्रेन को अगर कोई डैमेज हो रहा है जिसकी वजह से आपकी कॉग्निशन में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिसमें मेमोरी लॉस है, डिफ़िकल्टी कॉन्सनट्रेटिंग है, यानी आप कॉन्सनट्रेट नहीं कर पाते, आप फोकस नहीं कर पाते, लैंग्वेज की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये सारी जो है वो कॉग्निशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जो कि ब्रेन की वजह से ही हैं, ब्रेन में हो रही होती हैं, और जिसके डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं जो कि हम फर्दर लेक्चर्स में डिस्कवर करेंगे. पुअर जजमेंट है, यानी आप उसको जज नहीं कर पा रहे. कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन की स्टेट है. इम्पेयर्ड रीजनिंग है, पर्सनैलिटी चेंज हो रही है आपकी. डिसोरिएंटेशन है, आपको नहीं पता कि आप कहाँ पर हैं. विजुअल स्पेशल डिफ़िकल्टीज हैं. एंड देन इम्पेयर्ड मोटर कोऑर्डिनेशन है, यानी आपको कोऑर्डिनेशन में भी प्रॉब्लम हो रही है. आप जैसे बॉल कैच करते हैं उसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, सो दैट इज़ इम्पेयर्ड मोटर कोऑर्डिनेशन. सो ये जो सारी मोटर कोऑर्डिनेशन है. एंड दिस वॉज अबाउट दैट न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स ओवरव्यू. आई होप आई मेड इट क्लियर. और इसमें अगर कोई भी कन्फ्यूजन है एंड यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, यू कैन रीड दिस स्लाइड एज वेल ट्वाइस सो दैट यू अंडरस्टैंड दिस डिसऑर्डर बेटर. एंड फर्दर डिसऑर्डर्स को भी हम इस तरह नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कवर करेंगे. टिल देन take care.